आ तरफ મહેસાણામાં કિડ્સ કિંગડમ સ્કૂલ દ્વારા બકરી ઈદની ઉજવણીનો મુદ્દો ગરમાતા સંચાલકે માફી માંગી લીધી છે। પોલીસ સંરક્ષણ વચ્ચે શાળા સંચાલકોએ ટોળાની વચ્ચે આવી માફી માંગી હતી। શાળા સંચાલક રાશિ ગૌતમે માફી માંગી ભૂલ સ્વીકારી છે। તેમણે કહ્યું છે કે હવે વાલીઓ કે કોઈની લાગણી દુભાઈ નહીં તેવા કાર્યક્રમ કરીશું। બીજી બાજુ સ્કૂલ પ્રોપર્ટી માલિક દ્વારા શાળા સંચાલકને લીગલ નોટિસ ફટકારાઈ છે। स्कूल संचालक आकाश गौतम ने 7 दिवस में प्रॉपर्टी खाली करवा नोटिस फटकाराई छे। तात्कालिक धोरणे प्री स्कूल बंद करवानी नोटिस फटकाराई देवाई छे। मैं स्कूल के सारे स्टाफ का लिस्ट देने को भी तैयार हूँ और मेरी वजह से, मेरे स्कूल की वजह से किसी का भी फीलिंग्स हर्ट हुई है, किसी को भी गलत दुख पहुँचा है जो मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, तो उसके लिए मैं उन सबको सॉरी भी, सारे पेरेंट्स को या जो लोगों को भी मेरी वजह से प्रॉब्लम पड़ी है, मैं उन सबको सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं खुद हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोई गलत उपदेश नहीं था बच्चों को देने का या किसी को दुख पहुँचाने का। मैं आगे से भी हमेशा ध्यान रखूँगी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मैं सिर्फ एक शांति से स्कूल चला रही हूँ जहाँ मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हूँ और सब चीज़ों के बारे में सिखाती हूँ, और कोई गलत बात मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को नहीं सिखाती। तो गुरुवारे बकरी ईद निमित्ते किड्स किंगडम स्कूल में ईद की उजवणी थई। एक वीडियो सामे आव्यो जेमां हिंदू बाळकों पासे बकरी ईद की उजवणी करावाई हती, जेथी आजे सवारे हिंदू संगठनोए वांधो उठाव्यो छे। संतो महंतो साथे बजरंग दळना कार्यकर्ताओ अने वालीओ मोटी संख्यामां शाळाए पहोंच्या हता। बकरी ईदनी उजवणीथी वालीओनी साथे हिंदू संगठनोमां पण रोषनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे।